इस तरह के। अब मैं चाह रहा हूँ मैं मजीद गलतियों से बचूं और मैं जल्दी से वीडियो मैं उतर जाऊं नीचे। अगर मैं नीचे उतर गया तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, और नहीं उतर सका तो फिर अल्लाह मालिक है, तो फिर शायद आपको पूरा ट्रिप देखने को ना मिले। अगर मैं लाइफ में बोलूँ कि मैंने कभी गलती की है सबसे बड़ी, तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने इस ग्लेशियर्स में सोलो आने की कोशिश की। बाबू सर सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है, बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, मुझसे चल नहीं रही है, रोड के मंदर ये है और मैं हूँ अकेला, तो मुझे नहीं लगता कि बाबू सर मैं टॉप पर पहुँच पाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्लॉग, अनदर डे, अनदर डेस्टिनेशंस। अब ज़्यादा नहीं बोलती क्योंकि सुबह का टाइम है, दिल नहीं चाह रहा बोलने का। अभी सीन ऐसा है कि जो है ना सुबह सुबह कल रात को बाबू सर टॉप पहुँचने की कोशिश की थी, मगर अंधेरा हो गया था, मैं बहुत लेट हो गया था अराउंड, तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा थी ग्लेशियर्स की वजह से। तो फिर हम वापस आ गए नीचे, अभी जो है वो कैंप लगे हुए, दोनों साथी जो है ना वो मेरे सो रहे हैं अभी, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह इनके उठने से पहले, अभी एक बंदा जो है ना बाहर आ गया ये लोग, तो अभी मैंने सोचा इनके उठने से पहले पहले ना अभी देखें हालत कितनी टाइट हो रही है, नींद से मतलब आँखें सोया नहीं गया सही से, तो इनके उठने से पहले पहले मैंने सोचा होकर आ जाऊँ। अभी हो रहे हैं 5:30 और मैंने गाड़ी पर कोई सामान भी लोड नहीं किया, बाइक बिल्कुल खाली है अभी, तो अभी पास फटाफट जाते हैं होकर आते हैं, 1 घंटा लगेगा यहाँ से जाने आने में। आप बाबू से टॉप की थोड़ी सीधे फिर लेंगे, फिर वापस आएंगे और थोड़ा ऊपर घूम फिर लेंगे 1.5 घंटे में, जब तक ये उठ जाएंगे सोके और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, तो चल रहे हैं बाबू सर। भाई के लास्ट टू बाबू सर जो है वो सोलो ट्रैक कर रहा था मैं, और अभी अराउंड जो है वो 10 किलोमीटर बाकी है, और जो है ना बाइक हो गई है बहुत ठीक ठाक गर्म, और मैंने कोई सामान लगाया नहीं, सारा वहीं जाकर लास्ट में स्टे किया था, वहीं हो गया। अभी और 10 किलोमीटर बाकी है ग्लेशियर्स वगैरह, तो ग्लेशियर्स अभी तक नहीं जो है वो पिघला है, और बाबू सर तक जो है ना वो चिलास वाली साइड से खुला हुआ है और उधर से बंद है। तो बाकी मेरे दोनों साथी मैंने दिखाया था आपको वहाँ रुके, मैं अभी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लेकिन बाइक बहुत हीट हो रही है यार, बहुत रैंप है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा बाइक को रेस्ट दे दूँ 10 मिनट और आप लोगों को से बात कर लूँ 10 मिनट तक, तो अब 10 मिनट बाइक को रेस्ट देके फिर आगे 10 किलोमीटर बाकी है, लेकिन यार बहुत रैंप है यार, गाड़ी जो ना तब बस समझ जाओ तो 20-30 की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रही है, और तो मैं बोल कर आया हूँ कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे वापस आ जाऊँगा, 1-1.5 घंटा मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा भी ये जो 10 किलोमीटर है ये भी 1 घंटे में क्रॉस होगा, आगे देखते हैं क्या है कैसा है। और हॉर्स देखो बड़े खूबसूरत और आज़ाद जिस तरीके से घूम रहे हैं, बहुत खूबसूरत वादी है बाबूसर वाली, अगर नारान खुला होता तो उस तरह नारान से उतर के फिर हम मानसर वाली साइड जाते, लेकिन अभी जो हालत हो रही है ना वो बहुत टाइट हो रही है, और मेरा जो है ना मास्क ख़राब हो गया, मोबाइल भी गिर रहा है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि मोबाइल भी गिर रहा है, और ठंड यार बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद ठंड है, 2-2 ग्लव्स पहनने के बाद भी ना बहुत शदीद ठंड लग रही है, और मेरा मास्क सही नहीं हो रहा यार, क्यों सही नहीं हो रहा भाई। तो चलते हैं आगे की तरफ, और 10 किलोमीटर और करना है ऐसा ही, और अभी पीछे 45 मिनट लगा है या 1.5 घंटा लग गया तकरीबन यहाँ आने आने में। हाँ, चलो बाबू सर करके जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सो गाइस रह गया है और मज़ीद, और पहाड़ों की खूबसूरती देखें, ग्लेशियर्स जो है ना वो रास्ते में पिघल रहा है, मैंने सोचा दो जगह जो है ना दोनों साइड्स पे ग्लेशियर्स था कि दिखाऊं, फिर भी मैंने नहीं दिखाया, मैंने अभी ऊपर पहुंच जाऊं, ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद फिर दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहाड़ों की खूबसूरती देखें, ये देख कर मुझसे रुका नहीं गया, मैंने बोला आपको ज़रा दिखाऊँ कि पहाड़ों के ऊपर किस तरीके से ग्लेशियर्स अभी जमा है। और आपका भाई जो है वो फुल टाइम सोलो ट्रैक कर रहा है लास्ट टू, बहुत मज़ा आ रहा है यार, और तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 5 से 6 किलोमीटर रह गया है, और मज़ा तो बहुत आ रहा है, ग्लेशियर्स जो है वो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और हाँ मैंने सोच मैं इसलिए दोबारा स्टे करने के 2 वजह हैं, एक
कि हर 10 किलोमीटर के बाद जो है ना, मैं गाड़ी को थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि जो हिल है ना वो बहुत ज़्यादा टॉप है, स्ट्रेट है, तो मतलब यूँ चल रही है गाड़ी एकदम स्ट्रेट। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हर 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद जो है उसको मैं 5 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, और उसके बाद जो है फिर मैं आगे की तरफ रवाना होता हूँ। अच्छा, वापसी में दिखाऊँगा दोनों साइडों पे जो ना बर्फ़ पड़ी हुई है, ग्लेशियर्स को किस तरीके से उन्होंने हटाया यहाँ से, ये वापसी में दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं और मज़ीद आगे, हमें रुके हुए 2-3 मिनट हो गए, गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई होगी। अपना ही मज़ा है भाई, सोलो ट्रैक का भी अपना ही मज़ा है और बहुत मज़ा है सोलो ट्रैक का। अब बस आपका भाई 4 किलोमीटर रह गया है और ऊपर पहुँच जाए और ये सोलो ट्रैक फिर जो है ना वो डन हो जाएगा आपके भाई का। तो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो भाई, इतनी जो है ना वो मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। और बाबू सर सोलो, देखते हैं आगे। ये सिचुएशन है भाई, दोनों तरफ बर्फ़ है, दोनों तरफ ही बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, और ये ग्लेशियर सभी पिघल रहा है और इसके अंदर बाइक चल रही है आपके भाई की। आगे चलते हैं, मैं सोच रहा हूँ बस टॉप से वापसी में जल्दी जल्दी करें ताकि टॉप से वो पहुँच के फिर वापस आएँ। यार सीन ये हो गया, बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, मुझसे चल नहीं रही है, रोड के मंदर ये है और मैं हूँ अकेला, तो मुझे नहीं लगता कि बाबू सर मैं टॉपर टॉप पर पहुँच पाऊँगा। बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, जूते बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं, ये बहुत डेंजरस हो गया मेरे लिए यहाँ तक पहुँचना, और मैं मज़ीद आगे नहीं जा सकूँगा। ये तो भाई मिल गए थे, इन भाइयों ने मदद कर दी थोड़ी सी कि बाइक उठा दी है मेरी, वरना यार ये बहुत मैंने बाइक का टायर भी ठीक बर्फ वाला नहीं, डेंजरस हो गया बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि बाबू सर तक पहुँच पाऊँगा क्योंकि हालत बहुत ख़तरनाक है। मुझे लगा रास्ता सारा वैसा ही होगा लेकिन यहाँ के तो बाइक ही स्लिप हो जा रही है, बाइक की खड़ा नहीं हो जा रहा। ये तो इन भाइयों की मेहरबानी है कि इन भाइयों ने जो है ना वो हेल्प कर ली कि बाइक जो है वो स्लिप होते ही उन्होंने उठा ली। तो अभी मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से निकलूँगा वापस, देखते हैं, इट्स टू मच डेंजरस बट जाना तो है। सो मेरे दोस्त भी जो है ना वो वहीं पीछे रुके हुए हैं, वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं जा सकते थे, तो अब अल्लाह मालिक है, देखते हैं निकलते हैं, बाकी नसीब कि क्या होता है क्या नहीं होता, अल्लाह मालिक है, चलते हैं देखते हैं, दुआ में याद रखें बस। बाकी ये सिचुएशन है भाई, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है और दोनों तरफ इतने इतने ग्लेशियर्स हैं भाई, लोग साथ ऊपर चलो क्योंकि सिर्फ 1/2 किलोमीटर रह गया, लेकिन जो है ना वो मेरी, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे जा पाऊँगी, मेरी बाइक चली नहीं रही है, मैं स्लिप हो रहा हूँ बार बार, अल्लाह मालिक के, बाकी देखते हैं कैसे जाते हैं, ये लोग भी फंसे मैं भी फंसा हूँ। बाबू सर टॉप 1 किलोमीटर, अगर लाइफ में मैंने कभी कोई, अगर मैं लाइफ में बोलूँ कि मैंने कभी गलती की है सबसे बड़ी, तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने इस ग्लेशियर्स में सोलो आने की कोशिश की। बाबू सर सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया, 1/2 किलोमीटर पहले जो रैंप पे मेरे साथ हुआ, अगर गाड़ी वाले नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि मैं वापस आ सकता नहीं सकता, लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि मेरी गलती से आप लोग सीखो और जो है ना कभी भी इस तरह ग्लेशियर्स वाले टाइम पे सोलो आने की कोशिश मत करो, ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती। अगर कार वाले हरूफ वाले नहीं फंसे होते तो शायद मैं नीचे नहीं उतर पाता और शायद मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, बहुत मुश्किल था यार, ये मिस्टेक है और नहीं करना ऐसी गलती दोबारा, मुझसे हो गई। आप बाइकर्स को बता रहा हूँ कि यार आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, ख़ासतौर पे सोलो नहीं करना, दोस्त यार साथ हों तो ठीक है लेकिन सोलो ये गलती मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है ग्लेशियर्स इस तरह के। अब मैं चाह रहा हूँ मैं मज़ीद गलतियों से बचूँ और मैं जल्दी से वीडियो मैं उतर जाऊँ नीचे, अगर मैं नीचे उतर गया तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, और नहीं उतर सका तो फिर अल्लाह मालिक है, तो फिर शायद आपको पूरा ट्रिप देखने को ना मिले, तो खैर अल्लाह मालिक है, अदल कुर्सी पढ़ ली है, इंशाल्लाह उतरते हैं। मिस्टेक, ये मेरी चॉइस थी जो मिस्टेक बनी, आइंदा एहतियात करूँगा, आप लोग भी एहतियात कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। नीचे पहुँचे तो मैंने ये देखें सॉक्स पहने जूतों के ऊपर उतार कर ताकि मैं उतर सकूँ
ग्लेशियर से। मैंने ये सॉक्स पहने उतार के जूतों के ऊपर पहने ताकि मैं ग्लेशियर से उतर सकूं। और ये रहा बाबू सर, ये रहा बाबू सर, और ये रहा आपका भाई सोलो। बाइक की ये हालत हो गई है, अल्लाह मालिक है। उतरने में भाई अभी सिर्फ 2 किलोमीटर उतरा हूँ मैं, और मुझे जो है ना वो आधा घंटा लग गया 2 किलोमीटर उतरने में। ये है रास्ते, दोनों तरफ ऐसी स्लाइडिंग है। और यार इट वॉज एडवेंचर विद मिस्टेक्स। ये इसको एडवेंचर नहीं, इसको पागलपन भी कह सकते हो। एडवेंचर, एडवेंचर का नाम ही पागलपन है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पैच मिला है साफ। अभी तकरीबन 40 या 39 किलोमीटर अराउंड नीचे उतरना है। अल्लाह पाक बस हेल्प करे मेरी। तो आई डोंट नो बट इट इज़ द पार्ट ऑफ एडवेंचर। देखते हैं मेरा आगे भाई। आधे रास्ते पे और नीचे आ गया हूँ, कुछ लोग मिले। कटाई चल रही है बर्फ़ की, तो यहाँ से बर्फ़ की कटाई वगैरह करके ले जाएंगे मानसेरा या वट एवर वेयर दे वॉन्ट टू गो। और साथ में जो है ना थोड़ी थोड़ी जान में जान आई है कि मैं नीचे उतर सकता हूँ। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है बर्फ़ की वजह से। लेकिन ये देखिए इस तरीके से बर्फ़ कूट के लोग यहाँ से ले जा रहे हैं। मैं फिर भी वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने चाहा जब तक ज़िंदगी है तब तक तो अल्लाह ताला ज़िंदा रखता है। और बाकी दिस इज़ द बहुत बड़ा बड़ा पागलपन, नहीं करना चाहिए। मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए इंसान को ऐसा। बाकी अदरवाइज एडवेंचर है, पार्ट ऑफ द एडवेंचर है। देखते हैं आगे क्या होता है आगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों के पास। बैठे हैं लोग सारे। लास्ट वीडियो नहीं हुई मेरी और आगे और एडवेंचर चलेंगे। तो यार इट्स अ मिस्टेक, और एडवेंचर था और मिस्टेक भी थी, और समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। बहरहाल जो था जो होना सब हो गया। और नसीहत ले लें कि आप लोग इस तरह की हरकत नहीं कीजिएगा। मुझसे हो गई, आप लोग नहीं कीजिएगा इस तरह की हरकत। तो आप साथ साथ चलते हैं कुछ ऐसा कि समझ नहीं आ रहा क्या कमेंट्स करूं या क्या कहूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं सोते में निकल गया था, एक ही बंदा उठा था लेकिन उसने देख लिया था जाते हुए मुझे। तो फाइनली ये रेडी थे कि अगर कुछ हो गया है या, क्योंकि मुझे 3-3.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था और सिर्फ अराउंड 40 किलोमीटर यहाँ से था। तो ये लोगों ने बैग वगैरह सारी चीज़ें खोली हुई थी, रेडी कर लिया था कि अब लेने आ जाए। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। और मैं ये कहूँगा कि यार ऐसी गलती ना करें, हर इंसान गलती करके सीखता है। मैंने गलती की है और मैंने सीखा। तो यार आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।